सभी पत्रकार बंधुओं का। डॉक्टर साहब, ये चौकीदार का जो नारा दिया गया है, तो इससे क्या फायदा हुआ? अगर ये को वैसे भी करा जाता, वैसे भी सरकार ईमानदारी से अगर काम कर रही है, तो ये क्या जरूरी था कि ये चौकीदार? जिला के प्रधान श्री योगेंद्र पालीवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वो प्रेस वार्ता के बारे में आगे की कार्रवाई को करें। सभी प्रेस वार्ता की जा रही है, उसका मेन उद्देश्य बड़ा कार्यक्रम है जो उसी दिन करीबन 500 स्थान पर होगा। मैं भी चौकीदार कार्यक्रम है जिसमें मोदी जी लाइव रहेंगे और बाकी सारे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, किस तरीके से, वो आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी आपको इसमें डिटेल से बताएंगे। जो अभी बताया मैंने कि जो अभी है, मैं भी चौकीदार हूँ। सभी जो देश के लोग हैं वो सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं, हम सब चौकीदार हैं, क्योंकि हम सब की जिम्मेवारी बनती है और सब लोग अपनी जिम्मेवारी का एहसास करें, इसका मेन मकसद ये है। क्या कुछ कार्यक्रम कब निर्धारित किया? ये है 31 मार्च को शाम को 5 बजे और हमारे यहाँ रेवाड़ी में KLP कॉलेज में ऑडिटोरियम होगा और सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं। अभी आप बता रहे थे 500 स्थानों पर ये कार्यक्रम, वो तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली से करेंगे और वो देश के 500 जगह पे और सीधा संवाद करेंगे। यहाँ किन किन लोगों को आमंत्रित किया है? अभी बताया ना कि मेन मेन डॉक्टर्स हैं, आपके जो भी पार्टी के नेता हैं और NDA के पार्टी के जो भी हमारे सहयोगी वकील हैं, जो मेन मेन आदमी को सभी को आमंत्रित किया है। और क्या कुछ विशेष रहेगा सीधे संवाद के? नहीं, इसमें तो यही है कि मैंने बताया कि हर आदमी को अपना जिम्मेवारी का एहसास होगा, इसका मेन मकसद यही है। ठीक है।